इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अरबी को उबालकर रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अरबी को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसे 4 से 5 सीटी आने तक उबाल लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 सीटी आने तक कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 सीटी लग चुका है तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। प्रेशर कुकर का सीटी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है तो चलिए हम इसे खोल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से छीलकर साफ कर लेते हैं। खोलने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से धो के साफ कर लेंगे। इसे धो के साफ कर लिया है तो चलिए इसे डालते हैं एक प्लेट में और इसे छीलकर तैयार कर लेते हैं। अरबी को छीलने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसे कट करेंगे। मोटा पतला जैसा भी आपको कट करना हो आप कट कर सकते हैं। मेरा अरबी छोटे साइज़ का है इसलिए मैं 2-2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ, बड़े साइज़ के अरबी को 3 टुकड़ों में। आपको पतला मोटा जैसा भी कट करना हो उसे कट कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा अरबी है तो इसे मैं 3 टुकड़ों में कट कर सकती हूँ। मैंने सारे अरबी को कट करके रेडी कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो चलिए अब हम कढ़ाई में डालते हैं 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जिसमें है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए अब हम सारे मसाले को डाल देते हैं कढ़ाई में। 3-4 सेकेंड तक लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई करेंगे और मसाला को अच्छी तरीके से भूनकर तैयार कर लेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद जब मसाला से हल्का हल्का तेल छूटना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ अरबी। इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं अरबी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया हुआ है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस। इसे मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। इस तरह बिना लहसुन प्याज के अचारी अरबी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्थी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस रेसिपी को दाल चावल, प्लेन पराठा, प्लेन फुल्का के साथ सर्व करिए। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो प्लीज़ एक बार बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।